सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। मैं आपके लिए लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहूंगा। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तथा फ्रेंड, मैंने वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। आज मैं आपके लाया 9 जुलाई के करंट अफेयर, सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था निम्न में से किस राज्य सरकार ने इंद्रवज्र ऐप को लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार राज्य सरकार ने इंद्रवज्र ऐप को लॉन्च किया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है। IARI इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1905 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है और डायरेक्टर इसके अशोक कुमार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जी आकाश। तो भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जी आकाश बने हैं और इनकी फिडे रेटिंग 2495 है और तमिलनाडु राज्य के एम प्रवेश और गोवा के अमेया ऑडी अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड मैन बॉक्सिंग रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे हैं। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अमित पंघाल। पुरुष वर्ग में रोहतक हरियाणा के अमित पंघाल को 52 किलो भार वर्ग में पहला स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, स्थापना हुई थी 1946 में, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट इसके हैं गफूर रखीमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया देश के कोस्ट गार्ड ने समुद्र संबंधों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में दोनों देशों ने समुद्री इलाकों में समुद्री कानून पालन, समुद्री खोज एवं बचाव और समुद्री प्रदूषण बचाव कार्यों में आपसी सहयोग को संस्थागत स्वरूप देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICG इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड। स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करूर वैश्य बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए किसके साथ समझौता किया है। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। करूर वैश्य बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं पर स्टार हेल्थ एंड एयरलाइंस इंश्योरेंस के सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा। करूर वैश्य बैंक की स्थापना जो है वो 1916 में हुई थी, मुख्यालय
तमिलनाडु में है, एमडी एंड सीईओ पी आर शेषाद्री हैं, अध्यक्ष एन एस श्रीनाथ हैं, और इसकी टैगलाइन जो है, टैगलाइन रहेगी स्मार्ट वे टू बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस शहर में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रीवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा शहर में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के देहिंग पटकाई वन्य जीव आरम को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, असम। असम राज्य के देहिंग पटकाई वन्य जीव आरम को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पशु जन्य रोग दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 6 जुलाई। तो 6 जुलाई को विश्व पशु जन्य रोग दिवस मनाया जाता है। जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिवस, एक बार रिवीजन कर लीजिए, मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को कनाडा दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को चार्टेड अकाउंट डे मनाया जाता है भारत में, 1 जुलाई को नेशनल यूएस डाक टिकट दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को राष्ट्रीय गिंगर्स नाप दिवस मनाया जाता है, 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है, 2 जुलाई को नेशनल अनिसेट डे मनाया जाता है, 3 जुलाई को राष्ट्रीय फ्राइड क्लेम दिवस मनाया जाता है, 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस यूएसए मनाया जाता है, 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को राष्ट्रीय सतगारा दिवस मनाया जाता है, 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया जाता है, 12 जुलाई को पेपर बैग डे मनाया जाता है, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, 22 जुलाई को पाई स्वीकृति दिवस मनाया जाता है, 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है, 25 जुलाई को राष्ट्रीय जलपान दिवस मनाया जाता है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, 26 जुलाई को सिस्टम प्रशासक प्रशंसा दिवस मनाया जाता है, 28 जुलाई, जुलाई में चौथे रविवार को राष्ट्रीय अभिभावक दिवस मनाया जाता है, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइसिस दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसका राइट आंसर जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को पूरा अंत देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक सभी जगह सोशल नेटवर्क साइटों पर सभी जगह शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि सभी लोगों की हेल्प हो पाए। शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड।